हेलो, वेलकम इन एके स्टडी 1024 में हूँ एके यादव। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर का बेसिक बताया था आपको, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर जो आई बटन होता है यहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लेस। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। मतलब कि एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि टोटल 30 बॉले खेलती है, जिसमें से वो 6 पे बाउंड्री लगाती है। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है उन बॉलों की जिस पे उसने बाउंड्री नहीं लगाई है। तो यहाँ पे देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं, ठीक है, वो कितनी खेली उसने, 30। 30 उसने टोटल बॉलें खेली हैं। नंबर ऑफ बॉल्स ही हिट बाउंड्री, मतलब कि वो बॉल्स जिस पे उसने बाउंड्री लगाई है वो कितनी है, 6 बॉले हैं, ठीक है। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, जिस पे उसने बाउंड्री हिट नहीं करी है। तो पहले हमें वो बॉलें निकालनी पड़ेंगी जिस पे उसने बाउंड्री नहीं मारी है। टोटल उसने 30 गेंदे खेली, 6 पे उसने बाउंड्री लगाई है, तो अगर हम 6 निकाल देंगे तो जो गेंदे बचेंगी उस पे उसने बाउंड्री नहीं लगाई है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, सो नंबर ऑफ बॉल्स सी डिड नॉट हिट बाउंड्री इज इक्वल टू 30 माइनस 6, यानी कि कितना, 24, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो मैंने यहाँ पे लिखा, प्रोबेबिलिटी सी डिड नॉट हिट बाउंड्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉल्स सी डिड नॉट हिट बाउंड्री डिवाइड बाई टोटल बॉल्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि यहाँ पे ऊपर वो आता है जो हमारे फेवर में है और नीचे टोटल केसेस आते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिसपे उसने बाउंड्री नहीं लगाई है। तो फेवर में भी वही बॉल्स होंगी जिसपे उसने बाउंड्री नहीं लगाई है, तो वो मैंने ऊपर लिखा है और टोटल बॉल्स नीचे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से कितनी बॉलों पर उसने बाउंड्री नहीं लगाई, 24 पे, और टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स हैं 36। से आसानी से इसको काट सकते हो, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 4 ऊपर 5 नीचे, यानी कि 4 डिवाइड बाय 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमसे बोला गया है, 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल एंड नो गर्ल। मतलब कि 1500 फैमिलीज ऐसी सेलेक्ट की गई हैं जिनके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, और उनके हिसाब से ये डेटा कलेक्ट किया गया है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, और यहाँ पर हमें दिखाया गया है नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। मतलब कि ऐसी फैमिलीज 475 हैं जिनके पास दोनों ही बच्चे क्या हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, और 814 ऐसी फैमिली है जिनके पास एक लड़की है दो में से। हर फैमिली के पास 2 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ लड़कियों की संख्या, मतलब अगर एक लड़की है तो दूसरा लड़का होगा। इसी तरह से 211 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास 2 बच्चे हैं जिनमें से दोनों में से 0, यानी कि कोई भी लड़की नहीं है, मतलब दोनों लड़के हैं, ठीक है। हमसे ये चीजें पूछी गई हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले केस में जब दोनों लड़कियां हों, दूसरे केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एक लड़की हो, और तीसरे केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब कोई लड़की ना हो। तो यहाँ पे देखिए, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 1500। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स, ठीक है। 2 गर्ल्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो नीचे तो हमेशा टोटल आएगा प्रोबेबिलिटी में, नीचे क्या आएगा, टोटल यानी टोटल फैमिलीज, और ऊपर क्या आएगा, वो नंबर ऑफ फैमिलीज आएंगी जिनके पास 2 लड़कियां हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया फॉर्मूला, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स ऊपर आएगा और टोटल फैमिलीज नीचे, ठीक है। तो ऐसी फैमिलीज जिनके पास 2 लड़कियां हैं कितनी है, 475। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 7 5 डिवाइड बाई, टोटल फैमिलीज कितनी है, 1500। तो नीचे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1500। 5 से आप इसको आसानी से काट सकते हो, ठीक है, 5 9 जा 45, और 47 में से 45 कट गया तो 2 बचा होगा, 2 के आगे 5 यानी 25, तो 5 5 जा 25। इसी तरह से 5 3 जा 1500, 2 0 है तो 2 0 लगा दो, अगेन ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ से 9 में से 5 कट गया, 4 बचा, 4 के आगे 5 यानी 45, 5 9 जा 45 होता है। इसी तरह से 5 6 जा 30, 1 0 है तो 1 0, मतलब कि जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा ऊपर 19 और नीचे कितना, 60। तो ये था पहला केस। दूसरे केस में हमसे क्या बोला गया था, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो, 1 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी, अंदर लिखा 1 गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लिख लेना, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ इसका। तो वो फैमिली जिनके पास एक लड़की है वो कितनी है, 814, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 814, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो वही रहेंगी 1500, ठीक है। इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 0 है, मतलब 2 से तो पक्का है दोनों कट जाएंगे। तो 2 से मैं काट रहा हूँ, 2 4 जा 8, ठीक है। तो यहाँ से 2 4 जा 8 कट गया, 1 बचा, 1 में टेबल नहीं जा रहा है, 4 को मिलाऊंगा मैं। लेकिन जब हम दो नंबर एक साथ मिलाते हैं तो पहले एक 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, और 2 7 जा 14। इसी तरह से यहाँ से काटोगे तो 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 बचा, 1 के आगे 0 यानी 10, 2 5 जा 10, 1 0 है तो 1 0 और,
यहाँ से कितना आ जाएगा, 407 डिवाइड बाई नीचे कितना है 750। तो ये था इसका सेकंड केस। थर्ड केस में हमें क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, ठीक है, यानी कि जीरो गर्ल। देखिए चाहे नो गर्ल पूछा हो या फिर दोनों के दोनों लड़के पूछे होते, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो बच्चे तो हैं फैमिली में, एक भी लड़की नहीं, मतलब दोनों लड़के रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रोबेबिलिटी बताओ बोथ आर बॉयज, ठीक है, दोनों लड़के हैं। जब जीरो लड़की है मतलब क्या, दोनों के दोनों क्या रहे होंगे, लड़के, क्योंकि फैमिली के पास दो बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला पहले आप लिख लेना, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग जीरो गर्ल या फिर नो गर्ल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। तो ऐसी फैमिली जिनके पास कोई लड़की नहीं है कितनी है, 211, और टोटल कितनी है, 1500 फैमिलीज हैं, ठीक है। तो ये इसमें कटेगा नहीं, इतना ही रहेगा इसका आंसर। तो ये था पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और बात बोली गई थी जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वो ये थी कि हमें चेक करना है क्या तीनों का सम वन आता है कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सबका सम वन होना चाहिए। तो हम पहले सम निकाल लेते हैं, ठीक है। जो पहली वाली प्रोबेबिलिटी थी उसका कितना आया था, 19 डिवाइड बाई 60 प्लस में, और दूसरा कितना आया था, 407, 407 डिवाइड बाई 750 प्लस में, तीसरा वाला कितना आया, 211 डिवाइड बाई 1500, ठीक है। इन सबको अगर आप सॉल्व करोगे, इन सबका एलसीएम लेना, 1500 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर भी जब सॉल्व कर लोगे आप तो 1500 आएगा, मैं करके नहीं दिखा रहा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। या तो अगर आपको यहां से दिक्कत होती है इसको इसको लेने पे, तो आप इनको मत लो, सीधा जो शुरू में आया था 475 डिवाइड बाई 1500, और यहाँ पे जो आया था 814 डिवाइड बाई 1500, और यहाँ पर जो है 211 डिवाइड बाई 1500, इनको ही ले लो, क्योंकि सब इन सबके नीचे कितना है, 1500 है, तो वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर का सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई 1500 आएगा और 1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप वो भी ले सकते हो या फिर आप ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जो है इन सबको जोड़ के 1 ही आना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमसे बोला गया, इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। 40 स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि वो किस महीने में पैदा हुए थे, और उसके हिसाब से ये ग्राफ बनाया गया है। हर एक महीने के हिसाब से कितने कितने बच्चे उस महीने में पैदा हुए हैं, ये इस ग्राफ में हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक बच्चा जो कि पैदा हुआ था अगस्त में, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 40। तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त, मतलब कि वो बच्चे जो अगस्त में पैदा हुए थे। तो यहाँ पे जो अगर आपको जो ग्राफ दिया गया है इसको आप देखो, तो एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे हमें मंथ दिखाया गया है बर्थ का, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पे हमें दिखाया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर हमें अगस्त से मतलब है तो सिर्फ हम अगस्त पे फोकस करते हैं अभी। अगस्त वाले महीने को देखो, वहां पे जो ग्राफ ऊपर तक जा रहा है वहां पे से आप देखो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो टॉप से, ठीक है। तो वहां से कितना नजर आएगा आपको, 6 नजर आएगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अगस्त में पैदा हुए हैं वो कितने हैं, वो 6 हैं, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगस्त में पैदा हुए थे उनको हम डिवाइड करते हैं जो टोटल स्टूडेंट थे, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट वॉज बोर्न इन अगस्त इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन अगस्त डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से अगस्त में पैदा होने वाले बच्चे कितने हैं, 6, टोटल बच्चे कितने हैं, 40। 2 से आप इसे काट सकते हो, 2 3 जा 2 2 जा और 1 0 तो 1 0, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 3/20 यानी 3/20। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे बोला गया है, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ आउटकम्स। इफ द थ्री कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कमिंग अप। मतलब कि तीन सिक्के उछाले जाते हैं एक साथ, 200 बार उछाले जाते हैं, और जो आउटकम आता है वो यहाँ पे नोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आउटकम है, यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हुआ ऐसा। तो आउटकम क्या है, पहला थ्री हेड्स, तीनों के तीनों पे हेड आया हो ऐसा 23 बार हुआ, यानी 23 बार हुआ है। दो पे हेड आया वैसा 72 बार हुआ है, एक पे हेड आया वैसा 77 बार हुआ है, किसी पे भी हेड नहीं आया वैसा 28 बार हुआ है। देखिए सब कुछ तो हेड में दिया हुआ है, और पूछा भी इस क्वेश्चन में हेड के बारे में ही है, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं ऐसा हो। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि पूछ लेंगे नो टेल, ठीक है, कोई भी टेल नहीं आया। तो कोई भी टेल तो यहाँ कहीं डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं जब तीन ही सिक्के उछाले गए थे तीनों पे हेड आया, मतलब ये वो वाले केस है जब टेल कोई आया ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये केस लेना होगा, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो खैर इजी अभी बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए दो हेड्स हैं, दो हेड्स है मतलब क्या, तीसरा क्या रहा होगा, तीसरा टेल रहा होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होता कि भाई बताओ कि एक टेल आया था, तब भी हम यही वाला केस लेते हैं, या फिर दो हेड आया तब भी हम यही वाला केस लेंगे, क्योंकि दो हेड है मतलब तीसरा वाला टेल है, ठीक
ठीक है ना। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सोच के करना है एग्जाम में। यहां तो देखिए, यहां तो सिर्फ हमें इतना बताना है कि अगर हम सिक्के को दोबारा उछालेंगे तो दो पे हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो भाई देखो, पहले दो पे हेड आया ऐसा कितनी बार हुआ है, 72 बार हुआ है, और टोटल नंबर ऑफ टोटल टॉसेस कितने हैं, 200 है, ठीक है, 200 बार टोटल उछाला गया है। अब दो बार हेड आया जैसे कि मैंने भी बताया, कितने बार हुआ ऐसा, 72 पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स टू हेड आकर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, ठीक है। तो दो हेड आकर हुए हैं कितनी बार, 72 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टॉसेस कितने हैं, 200। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर लेना है। तो चाहे आप दो दो से काटो बार बार, या फिर आप इकट्ठे ही क्या करो, 8 से काट लो, 8 से कट जाएगा, 8 9 जा 72, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, 20 में से 16 कट गया, 4 बचा होगा, 4 के अगर 0 यानी 40, तो 8 5 जा 40, मतलब जो आंसर है फाइनल हमारा वो कितना आएगा, 9 डिवाइड बाई 25, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो सिर्फ हेड के बारे में पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में हेड देके वो टेल पूछ लेंगे, तो आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है टेबल को, ठीक है। तो ये थे 4 क्वेश्चन, उम्मीद आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।